अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। सैरीज के जायके में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स। सैरीज के जायके में देखिए आज क्या हम बना रहे हैं। आज हमारे जायके में बन रहा है ये ज़बरदस्त सा बर्रा, चिकन बर्रा विद ग्रेवी। तो चिकन बर्रा हम ग्रेवी वाला लेकर आए हैं जो खाने में बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया ये रेसिपी होती है जो घर में हमने बनाई है। और आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मेरे मेथड से बनाइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चले हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जार में धनिया ले लेना धो करके। तो एक बंच धनिया ले लिया यानी कि एक मुट्ठी, और उसमें कुछ हरी मिर्च हमने डाल दी है और एक मोटी मिर्च डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हमने ये फ्राइड किया हुआ प्याज रखा हुआ था, यानी कि प्याज को हमने फ्राई किया हुआ था, दो प्याज लेके उसको फ्राई कर लिया था, दो बड़ा प्याज, उसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो प्याज भी हमने ग्राइंड कर लिया। अब चले हम एक बाउल में एक बर्तन में यानी कि दही ले लेते हैं। तो दही हमने ले लिया, उसमें जो प्याज हमने भी ग्राइंड करके रखा हुआ था, ये जो तला हुआ प्याज हमने पीसा था, तला हुआ प्याज ले लिया, और हरा मिर्च हरा धनिया जो हमने पीस के रखा हुआ था उसको भी इसमें ले लिया है। तो आधा लिया हमने, आधा भी हमने रोक रखा है। अब यहाँ पर ये चला गया चाट मसाला पाउडर, यहाँ पर काली मिर्च पाउडर चली गई, ये चला गया चिकन मसाला पाउडर। आप इसकी जगह ऑप्शनल है, या आप इसकी जगह आप गर्म मसाला भी डाल सकते हो। लाल मिर्च चला गया, अब ये कसूरी मेथी चली जाएगी। तो कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से रगड़ लें, रगड़ के डाल दें, देखिए इस तरह से पाउडर हो जाएगा। और यहाँ पर हम वन ड्रॉप कलर डालेंगे, अगर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हो। तो इन सब मिक्सर सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से दही में फेंट लेंगे। जितना भी मसाला दही हमने लिया है सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है चम्मच से। अब यहाँ पर नमक रह गया था तो नमक डाल दें, नमक चला गया। चिकन चला गया अब इसमें। तो ये चिकन धोकर हमने रखा था, ये एक किलो करीब चिकन हमारा है, अब ये चिकन चला जाएगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चम्मच डाला था, इसकी हो गया है मेरे ख्याल से कैमरा सॉरी माजरा चाहते कैमरा बंद हो गया होगा, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें गया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप डाल लें इसमें। तो ये हमारी मैरिनेशन हो रही है, चिकन मैरिनेशन। अच्छी तरह से हम एक एक बोटी पे मसाला लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा मैरिनेशन हो गया, ऐसे कवर करके आप छोड़ दें फुल नाइट के लिए। अगर नहीं वक्त है आपके पास तो 2 घंटा तो ज़रूर आप इसे मैरिनेट करके रखें। जब ये अच्छा रिजल्ट आएगा और फुल नाइट रखते हैं तब तो बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। तो आप अगर हो सके तो फुल नाइट रख दें, नहीं तो 2 घंटा तो कम से कम मैरिनेट करके रखें। अब यहाँ पर मेरे पास ग्रिल पैन था तो मैंने ग्रिल पैन ले लिया। आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप ग्रिल पैन लें, आपके पास जो भी पैन है, आप जिस पर भी आप बनाते हो खाना, आप वो पैन ले लो, उस पर थोड़ा सा तेल 2 चम्मच डाल के और इन सारी चिकन के पीसेस को हमें फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। जैसे कि जो है ग्रिल मार्क्स आते हैं इस तरह से डॉट्स इस पर आ जाने चाहिए सारे चिकन के पीसेस पे। तो इस तरह से हम सारे चिकन के पीसेस को तवे पर बिछा देंगे और फ्लेम को हमको रखना आएगा हाई से 2 मीडियम फ्लेम, यानी कि बीच में मीडियम करना है और बीच में फिर लो कर देना आपको। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस अब सारे हम जो है टर्न कर देते हैं, यानी कि दूसरे साइड हम इन्हें पलट देते हैं। एक साइड हमारा देखिए कलर आ चुका माशाल्लाह से, और बढ़िया सा कलर आ चुका, ये देखें। तो दोनों साइड ही इसमें जो कलर आ चुके जैसे कि हमें चाहिए कलर फ्रेंड्स, तो वैसे ही कलर आया, ये देखिए आप माशाल्लाह से। तो अब चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये चिकन बर्रा ग्रेवी वाला हम बना रहे हैं। इससे पहले भी चिकन बर्रा की रेसिपी मैंने अपलोड की अपने चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। तो बाकी का बचा हुआ भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो फ्रेंड्स चैनल पर अगर न्यू है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। रेसिपी पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करें।
तो दूसरा बैच भी हमारा देखिए फ्राई हो चुका है सारा, हमने ले लिया, निकाल लिया। अब हमने सेम उसी पैन में रख दिया। एक चारकोल आप ले लें, उसको जो है आँच पर जो है गर्म कर लें अच्छी तरह से, उस पर आप बटर डाल दो या घी डाल दो। तो यहाँ पर देसी घी मैंने लिया है, तो उसे स्मोक देंगे, रख देंगे और 3 मिनट के बाद इसे हटा देंगे हम प्लेट को। तो पैन में हमने ले लिया था तेल 3 चम्मच और यहाँ पर हमने बटर ले लिया था 1 चम्मच। अब इसमें ये मसाला हमने डाल दिया, ये मसाला वही वाला है जिसमें हमारा चिकन मैरिनेशन हुआ था, यानी चिकन के पीसेस उठा उठा के मैंने फ्राई कर लिए थे, जो मसाला उसमें नीचे बचा था थोड़ा सा पानी डालकर वो मसाला हमने इसमें डाल दिया है। तो वही मसाला इसमें जाएगा, तो मसाले को अच्छी तरह से हमें भून लेना है इसमें। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, दानेदार हो गया है, तेल छोड़ दिया है मसाला बिल्कुल, आपको लग रहा है कि नहीं, तेल छोड़ दिया, मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इतनी ही अच्छी तरह से मसाला आप भी भून लीजिएगा। अब यहाँ पे जाएगी ये क्रीम, तो ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, डेयरी मिल्क ये मिल जाती है आसानी से, तो आप मंगा लीजिएगा, घर में इतनी मिल्क आपको क्रीम नहीं मिलेगी। ये पूरा एक कैन था, मैंने सारा डाल दिया, यानी कि 200 ml का, तो मैंने सारा लिया। चिकन हमारा 1 kg है, तो आपका अगर आधा है तो आप उसी हिसाब से आप आधा ले लीजिएगा, जितना आप चिकन में बना रहे हो आप उस हिसाब से उतना ले लो। तो क्रीम डाल करके आप इसमें डाल देंगे ये हम चाट मसाला, तो इसमें चाट मसाला पाउडर चला जाएगा। नमक डाल दें आप इसमें। अब ये कसूरी मेथी चली गई, अगर कसूरी मेथी आपके पास नहीं है तो आप धनिया डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने बचाया हुआ था धनिया हरा मिर्च का पेस्ट, आधा हमने डाला था चिकन मैरिनेशन में और आधा हमने जो बचा के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल आने देंगे, यानी कि एक उबाल आने देंगे इसे हम। तो देखिए उबाल आ रहा है इसमें, अब ये सारे चिकन के पीसेस इसमें हम डाल देंगे। ये क्रीम है, ये बहुत तेज उबाल नहीं आता है, धीरे धीरे इस तरह से उबाल आएगा। चिकन के पीसेस सारे इसमें हम डाल देंगे, चले जाएंगे। तो इनको हम अच्छी तरह से चला देंगे, हिला देंगे, यानी कि सारे पीसेस पर ये जो क्रीम है हमारी अच्छी तरह से मिल जाए, सारे पीसेस पे कोट हो जाए। ये मार्केट से रेस्टोरेंट से भी बढ़िया घर पर बन जाता है, रेस्टोरेंट में तो आप लेने जाओगे तो आपको इतना क्रीमी नहीं मिलेगा जितना क्रीमी कि हम घर पर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी, लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे चिकन बर्रा ये खा कर। तो देखिए यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है, चूल्हा हमने बंद कर दिया था। तो चलिए अब हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। इस तरह से चिकन बर्रा आप बनाइएगा, यकीनन आपकी फैमिली को पसंद आएगा, तारीफें मिलेंगी, गेस्ट आए तो उन्हें पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आती तो लाइक कीजिएगा। चलती है, अच्छा, बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।